हमारे बीच डीडवाना से पधारे बहुत ही ओजस्वी वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री, सेवा और संस्कारों में रात दिन काम करने वाले, अपार संभावनाओं वाले व्यक्तित्व भाई रामा किशन जी खीचड़ से निवेदन है कि आप पधारे और आज के इस कार्यक्रम के सुंदरीय परिवार के प्रति अपने भाव प्रकट करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं चाहूंगा कि एक बार इस कार्यक्रम का बेहद अच्छा संचालन कर रहे और पूरे राजस्थान में एक अलग पहचान रखते हैं हरिराम जी किवाड़ा साहब का जोरदार स्वागत करें, क्योंकि जो संचालन करते हैं वो स्वागत करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, लेकिन उनकी चिंता कम हो पाती है। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है मकराना के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रूपाराम जी मुरावतिया साहब। एक बार मुरावतिया साहब का भी सब लोग जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय बिरदाराम जी, हमारे मंच पर मैं देख रहा हूं कि होली के बाद में इतने सरपंचों का कहीं पहली बार कहीं मिलन हुआ होगा, इसलिए बहुत सारे सरपंच मंच पर मैं देख रहा हूं कि उगमाराम जी से लेकर एक वोट से यहां से जीतने वाले दिलीप जी से लेकर विक्रम जी मातवा से लेकर पंचायत समिति और सरपंच सारे मंच पर बैठे हैं। एक बार सभी का हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। देखिए आज हम जिस पुण्य स्मृति में यहां पर बैठे हैं, चुनी देवी जी जिनकी स्मृति में यह द्वार बना है, उनके हमारे आदरणीय पतिदेव परसाराम जी, इनके सुपुत्र जो हमारे लेख जी हैं और रामनारायण जी हैं, इन सब ने मिलकर सुंदर परिवार के सुंदरिया परिवार की ओर से इतना सुंदर गेट का निर्माण करवाया है। बहुत सारे संस्थाओं में गेट के कार्यक्रमों में जाना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार के जोधपुर के पत्थर से सुंदर गेट का निर्माण कराया है, एक बार लेख जी, रामनारायण जी, परसाराम जी और सुंदरिया परिवार का हम सब लोग जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें, अभिनंदन करें। आज इस गेट के लोकार्पण का यह कार्यक्रम आप सभी सम्मानित लोगों की उपस्थिति में हुआ है। मुझे लगता है कई बार कि ये बात सही है कि हम जितना अच्छा हमारे बच्चों में शिक्षा देंगे और जितने अच्छे संस्कार देंगे उसका परिणाम बहुत अच्छा रहता है। एक व्यक्ति ने बार बार कहा है कि हमारे को जरूरत है कि शिक्षा और संस्कार हम बच्चों में अच्छा देंगे। जब शिक्षा और संस्कार जब आएगा तो वो परिवार संस्कारित होगा और वही परिवार उसी कारण से संस्कारित परिवार ही समृद्धि का कारण बनेगा। आज जिस प्रकार से इन्होंने सुंदर गेट का निर्माण कराया है, मैं समझता हूं कि इनके माताजी ने, इनके पिताजी ने अपने परिवार के बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उसी का परिणाम है कि आज इतना अच्छा गेट का निर्माण इन लोगों ने करवाया है। इसलिए आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, मेरा निवेदन है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें। कई बार मन से हम बातें तो अच्छी अच्छी कर लेते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी आपको यहाँ से बता देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार में अगर कोई बदलाव का कारण बन सकता है तो वो आपके प्यारे बच्चे हैं। इन बच्चों को जितना अच्छा पढ़ाओगे, इन बच्चों को जितना अच्छा लिखाओगे, सिखाओगे, उतना ही अच्छा आपके परिवार में बदलाव का कारण बनेगा। इसलिए आज हम इसे हमारे स्कूल के इस गेट के अवसर पर हम ये संकल्प लेके जाएं कि हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और हमारे बच्चों को हम अच्छा संस्कार देने का काम करेंगे। देखिए मंच पर हमारे विधायक जी से लेकर सारे लोग बैठे हैं। आज आप सब लोग इस कार्यक्रम के अंदर आए हैं। मुझे लगता है कि हम जब हमारे समाज के लिए जब अच्छे काम करेंगे, आज हम देख रहे हैं कि युवाओं में नशा बढ़ रहा है, आज हम देख रहे हैं कि हम फिजूल खर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि समाज में संस्कारों का पतन हो रहा है, लेकिन इस बीच में जो गेट का निर्माण कराया है, मैं समझता हूं कि ये समाज को शिक्षा देने का काम है। हमारी जब स्कूल का गेट बहुत सुंदर होगा तो इससे समाज में एक मैसेज आएगा। इसलिए आप सब लोग इस कार्यक्रम में बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम समाज को इस प्रकार की शिक्षा और संस्कार दें कि उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले, और जब दूसरे लोगों को जब प्रेरणा मिलेगी तो हमारा समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा। हम अच्छे काम की हमेशा तारीफ करें और जब कोई अच्छा काम हो तो हम उसको समाज में प्रेरित करने का भी काम करें। एक मेरा और आप निवेदन कि हम बच्चों को बढ़िया पढ़ाएं, बढ़िया संस्कार दें। इस संस्था का ये कार्यक्रम है, हमारे गुरुजन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन साथ साथ हम देशभक्ति का पाठ भी इन बच्चों को पढ़ाएं। मैं समझता हूं
ये जो हमारा जसवंतपुरा का जो क्षेत्र है इसमें किसान भी है और जवान भी है। इस देश का जवान और किसान ने मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में सबसे अच्छा काम किया है। मैं एक बात कह के मेरी बात को पूरी करूंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक सरकारी ऑफिस था, एक सरकारी दफ्तर था और इस सरकारी ऑफिस के पांचवी मंजिल पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था और उस बिल्डिंग के अंदर आग लगी। सब लोग अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ रहे थे कि कैसे भी करके अपनी जिंदगी को बचा लें और उसे अफरा तफरी के बीच में कोई भी उस तिरंगे को उतारने की हिमाकत नहीं कर रहा था। उस बिल्डिंग के अंदर चाय पकड़ाने के लिए एक आदिवासी बालक भी आया हुआ था। उसको लगा कि हिंदुस्तान का तिरंगा कहीं उस सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण से आग की लपेट में आ रहा है। वो दौड़ता हुआ बच्चा उस पांचवी मंजिल पे गया, वहां से हिंदुस्तान के तिरंगे को उतारता है। उसी समय उसके करंट का झटका लगता है तो बहुत दूर जाके गिर जाता है। काफी देर बाद में, एक दिन बाद में उसको होश आता है तो उससे पूछते हैं कि आपने इस कपड़े के टुकड़े के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दिया। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा होगा किसी के लिए ये कपड़े का टुकड़ा, लेकिन मेरे लिए तो ये आन बान शान थी, जिसके लिए जिंदगी भी चली जाती तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। इतने अच्छे संस्कार हम हमारे बच्चों में दें कि ये अच्छी शिक्षा के साथ में आपका तो कद ऊंचा बढ़ा ही सके। लेकिन आपने अभी देखा कि पिछले दिनों जब यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध हुआ तो यूक्रेन के प्रत्येक बच्चे को जो समझदार थे उनको कहा कि हथियार उठाइए और देश के लिए लड़िए। तो मेरा निवेदन है कि हमारे बच्चों को हम ऐसी शिक्षा और संस्कार दें कि आने वाले दिनों में आपके परिवार का बदलाव का कारण बन सके। मैं सुंदरिया परिवार को और हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय किवाड़ा जी को बधाई देता हूँ कि आपने बुलाकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।